Hello students, this is Lina Pascal ma'am. Welcome to my channel. Aaj aap mere saath class 3 my living word journal science ke book ke lesson number 6 se lekar lesson number 10 ka quick revision karenge. Ye quick revision tabhi work karega jab aapne sare lessons acche se padh liye honge. उसके बाद आप ही क्विक रिवीजन करेंगे जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स. फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से हम एनिमल्स को 3 टाइप्स में बांट सकते हैं. हर्बीवोरस एनिमल्स, एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स. तो जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स यानी पेड़ पौधे या उनका कोई भी पार्ट जैसे रूट स्टेम खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं. जैसे काउ, गोट, मंकी, एलिफेंट, ये सब हर्बीवोरस एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं. उसके बाद आते हैं कार्निवोरस एनिमल्स. एनिमल्स जो दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं यानी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे लायन, स्नेक, फ्रॉग, टाइगर. फिर थर्ड कैटेगरी है ओमनीवोरस एनिमल्स. स्टूडेंट्स आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं ओम, जैसे ईश्वर का दूसरा नाम है, ईश्वर सर्वव्यापी है यानी हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है. तो ये जो एनिमल्स है ये सब चीज खाते हैं यानी ये प्लांट्स को भी खाते हैं और ये एनिमल्स को भी खाते हैं जैसे बेयर, क्रो, रैट, जैकल. उसके बाद आते हैं जो एनिमल्स सोलो करते हैं, निकल कर खाते हैं अपनी स्टिकी टंग यानी चिपचिपी टंग के कारण. एनिमल्स दैट सोलो देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर स्टिकी टंग जैसे फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, इनके एग्जाम्पल्स हैं. तो ये सोलो करके अपने फूड को खाते हैं. उसके बाद कट च्यूइंग एनिमल्स जैसे काउ, बफेलो, कैमल, गोट, इवन हॉर्स वुड बी एग्जाम्पल ऑफ कट च्यूइंग एनिमल. इनके स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैक टीथ होते हैं और इन्हीं दांतों की वजह से ये पहले घास, पेड़ पौधे खाते हैं, फिर ये एक जगह पे बैठ जाते हैं और अपने मुंह से व्हाइट कलर का लिक्विड या स्टिकी लिक्विड निकालते हैं जिसे कट बोलते हैं. इसके बाद हम आते हैं एनिमल्स दैट टियर देयर फूड. लायन, डॉग, फॉक्स, कैट, इनके शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ होते हैं जिनकी वजह से ये अपने खाने को टियर कर सकते हैं. नॉइंग एनिमल्स, द जी इज साइलेंट हियर, रैबिट, स्क्विरल, रैट, जिनकी चिजल लाइक कट कट जैसे आड़ी होती है इनके चिजल लाइक टीथ होते हैं जिसकी मदद से ये अपने खाने को खाते हैं. आपने देखा है ना स्क्विरल कभी भी कोई फ्रूट खाती है तो फ्रूट कैसे कटा हुआ होता है, आधा खाती है आधा गिराती है. एनिमल्स दैट सक देयर फूड, इनके एग्जाम्पल्स हैं बटरफ्लाई, मॉस्किटो और लीच. तो इनका एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से वो फूड को सक कर सकते हैं. लीच जो है वो ब्लड सक करता है, लीच और मॉस्किटोज. नाउ पोल्ट्री बर्ड्स हम किन्हें बोलते हैं? द बर्ड्स दैट आर रेज्ड फॉर मीट एंड एग्स, जो फार्म में जो फार्म बर्ड्स होते हैं जैसे हेन, डक, इवन गूज, दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स. वेटरिनरी डॉक्टर इज अ डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स, जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसे वेटरिनरी डॉक्टर कहा जाता है. एरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो कि या तो एयर में फ्लाई करते हैं या एयर में रहते हैं. एनिमल्स दोज फ्लाई इन एयर और लिव इन एयर. नाउ फीचर्स ऑफ बर्ड्स, जैसे कि बर्ड्स एरियल एनिमल्स हैं तो अब हम फीचर्स पे आते हैं. हॉलो बोन्स, लाइट बॉडी, सभी बर्ड्स की खोखली हड्डियां होती हैं जिसके कारण उनकी बॉडी लाइट होती है तभी तो वो हवा में उड़ सकते हैं और उनके विंग्स जो हैं वो फेदर्स के बने हुए होते हैं. और थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर जो बर्ड्स का है उनकी पॉइंटेड शार्प बोट शेप्ड बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी,
या बोट शेप्ड बॉडी होती है जो उन्हें उड़ने में मदद करती है। कुछ बर्ड्स उड़ नहीं सकते हैं अपने हैवी वेट के कारण, उन्हें हम फ्लाइटलेस बर्ड्स बोलते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल्स हैं पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, एमियो। स्मॉलेस्ट बर्ड है हमिंग बर्ड, जो उल्टा भी उड़ता है और 5 सेंटीमीटर्स जिसका साइज होता है, बहुत ही छोटा होता है। और लार्जेस्ट बर्ड जो है वो ऑस्ट्रिच है, जो 2.5 मीटर्स जिसका साइज होता है, वो इतना लंबा हो सकता है। नाउ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक नेस्ट। बर्ड्स जो हैं वो बहुत सारे मटेरियल्स यूज करते हैं अपना घोंसला बनाने में। ट्विग्स, जैसे पतली पतली डंडियां जो ब्रांचेस होती हैं, स्ट्रॉस, तिनके, लीव्स, कॉटन, फेदर्स, रूट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें बर्ड्स यूज करते हैं जिनसे वो अपना नेस्ट बनाते हैं। बर्ड्स वर्क इन पेयर टू मेक देयर नेस्ट। जो बर्ड्स जोड़े में अपना नेस्ट बनाते हैं वो हैं 3 बर्ड्स, सनबर्ड, स्पैरो एंड डव। नाउ क्रो जो है, यहाँ पे ये कट रहा है, ये वर्ड क्रो है। क्रो मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांचेस ऑफ द ट्री। जो क्रो है वो सबसे ऊपर की ब्रांचेस पे अपना नेस्ट बनाता है। टेलर बर्ड, टेलर नाम से ही आपको मालूम चल रहा है, नाम टेलर है। इट स्टिचेस द लीव्स विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक यूजिंग स्मॉल ट्विग्स एज थ्रेड। तो छोटे छोटे जो ब्रांचेस होती है ना, उनको धागे के रूप में पत्तों में पिरो के सिलकर, तभी तो इसका नाम टेलर बर्ड है, ऐसे ये बनाता है अपना ब्यूटीफुल सन नेस्ट। बाबिट, जिसे हम कॉपर स्मिथ भी बोलते हैं, इट मेक्स अ नेस्ट इन द होल्स ऑफ ट्री ट्रंक, यानी ये पेड़ के तने में अपना नेस्ट बनाती है। सनबर्ड एक हैंगिंग नेस्ट बनाता है और नॉर्मली ये स्मॉल हाइट के ट्रीज या बुशेस में बनाता है। वीवर बर्ड में ओनली मेल बर्ड मेक्स द नेस्ट। फीमेल बर्ड तो सिर्फ चूज करती है कि कौन सा नेस्ट अच्छा बना है। पेंगुइन्स, आपको मालूम है, कोल्ड रीजन्स में रहते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कलर का ब्यूटीफुल सा बर्ड होता है। इट यूजेस स्टोन्स एंड पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर से वो अपना नेस्ट बनाते हैं। कोयल सबसे चालाक बर्ड, क्योंकि वो अपना घोंसला ही नहीं बनाती। इट लेज इट्स एग्स इन द क्रोस नेस्ट। माइग्रेशन, ये टर्म है आपकी बुक में। बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम कोल्डर रीजन्स टू वार्मर रीजन्स इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो विंटर्स के सीजन में जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर लाखों मीलों दूर ट्रैवल कर आते हैं फूड और शेल्टर की खोज में, क्योंकि जब स्नो हो जाती है तो सारे पेड़ स्नो से ढक जाते हैं, तो उन्हें फूड भी नहीं मिलता है और उन्हें रहने की कोई जगह नहीं मिलती है, इसलिए वो उड़कर वार्मर एरियाज में आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स को जो माइग्रेशन करते हैं, जो दूर से उड़कर विंटर्स में आते हैं, उन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं साइबेरियन क्रेन, फ्लैमिंगो, रोजी पेलिकन, पेंटेड स्टॉर्क। फूड फ्रॉम प्लांट्स, अब हम देखते हैं हमें प्लांट्स से क्या क्या फूड मिलता है और किस किस फॉर्म में मिलता है। सीड्स यानी बीज, कुछ सीड्स का हम आटा फ्लोर खाते हैं, जैसे हम वीट जो गेहूं है उसके आटे की रोटी खाते हैं। अदर एग्जाम्पल्स आर राइस एंड मेज, तो ये सब हमारे डेली खाने में यूज होते हैं। देन पल्सेस, ये आपको मालूम है, सारी दालें, आपकी राजमा, चने, सब टाइप की ग्रांस, सो दाल्स, पीस एंड ग्रांस, दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पल्सेस। और फिर हम नट्स की फॉर्म में बीज या सीड्स खाते हैं, जैसे पीनट्स, वॉलनट्स, कैशू नट्स, ऑलमंड्स, हम इन सबको ड्राई फ्रूट्स भी बोलते हैं। नट्स गिव अस एनर्जी एंड कीप अवर बॉडी वार्म, तभी हम इन्हें विंटर्स में ज्यादा खाते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को वार्मथ देते हैं। लीव्स जो हम खाते हैं वो है स्पिनच यानी पालक, फेनुग्रिक, मेथी, कैबेज,
mustard यानी सरसों, they all are called green vegetables. और ये सब हम अपने खाने में रोज इंक्लूड करते हैं. जो हम स्टेम्स खाते हैं प्लांट्स के, वो दो टाइप के हैं बेसिकली. एक तो होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, जो कि जमीन के नीचे ग्रो करते हैं, जैसे पोटैटो, आलू, ऑनियन, प्याज और जिंजर, अदरक. ठीक है, ये सब जो है ये ग्राउंड के नीचे ग्रो करते हैं और ये सब स्टेम्स होते हैं. कमल ककड़ी पानी में होता है, ये लोटस का स्टेम है. और शुगर केन गन्ना ये ऊपर होता है, ग्राउंड के ऊपर. तो ये सारे स्टेम्स भी हम प्लांट्स के खाते हैं. रूट्स के फॉर्म में हम कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट. कैरेट आपको मालूम है, गाजर, रेडिश, मूली. ओके, टर्निप हो गया शलगम और बीटरूट हो गया चुकंदर. फ्रूट्स को हम दो टाइप से खाते हैं. एक तो होते हैं रॉ यानी कच्चे फ्रूट्स, जैसे मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, जब मर्जी आए उठा लिया और हमने खा लिया. और कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो हम कुक करके खाते हैं, जैसे कि टोमेटोस, ब्रिंजॉल, लेडी फिंगर. आप इन्हें कच्चा नहीं खा सकते. ठीक है, वी ईट देम एज वेजिटेबल्स. टोमेटो एक्चुअली इज अ फ्रूट. यस चिल्ड्रन, टोमेटो, ब्रिंजॉल, दे ऑल आर फ्रूट्स, क्योंकि इनमें सीड्स होते हैं. तो जिस भी चीज में सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं. तो हम इन्हें कुक करके खाते हैं. किसी को भी कच्चा व्यंजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा. नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमें एनिमल्स से क्या क्या फूड मिलता है? मिल्क, एग्स, मीट एंड फिश, ये सब हमें एनिमल्स से मिलते हैं. मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, यानी दूध से बनी हुई चीजें, उन्हें हम मिल्क प्रोडक्ट्स बोलते हैं. कर्ड, दही, चीज, पनीर, कोई भी टाइप का पनीर, आइसक्रीम, खीर, ये सारी चीजें. और बहुत सारी मिठाइयाँ भी जो हैं, इंडियन स्वीट्स जो हैं, वो मिल्क प्रोडक्ट्स होती हैं. देन एग्स हमें कहाँ से मिलते हैं? अभी हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, पोल्ट्री बर्ड से, जो कि हेन, डक और गूस हैं. यस, तो हम खाना कुक करते ही क्यों हैं? क्योंकि कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट यानी नरम, टेस्टी मतलब डिलीशियस, खाने में अच्छा टेस्ट लगता है, इजिली डाइजेस्टेबल, जल्दी पचने वाला और जर्म फ्री यानी कीटाणु रहित. तो ये चार चीजें हैं जिसके लिए हम कुकिंग करते हैं. कुकिंग से खाना सॉफ्ट बनता है, टेस्टी बनता है, जल्दी से डाइजेस्ट होता है और उसमें जर्म्स नहीं रहते. क्योंकि कुकिंग करने से खाने के जो जर्म्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किल हो जाते हैं. कुछ खाने को हम बिल्कुल रॉ या कच्चा खाते हैं, जैसे फ्रूट्स में बनाना, मैंगो, कुकुम्बर, खीरा भी, ये सब हम कच्चे खाते हैं. नॉर्मली हम इन्हें कुक नहीं करते हैं. और कुक्ड फूड जैसे पल्सेस, वीट, राइस, आई डोंट थिंक किसी को भी कच्चा गेहूं या चावल अच्छे लगते होंगे. इन्हें हम हमेशा कुक्ड या पका के ही खाते हैं. फिर है रॉ एंड कुक्ड. कुछ खाना ऐसा है जैसे हम दोनों तरीके से खा सकते हैं, जैसे कि कैरेट, गाजर कच्ची भी खा सकते हैं सालट में, और गाजर का हलवा या गाजर की सब्जी भी बन सकती है. और टोमेटो तो आपको मालूम है कि सालट में भी यूज होता है, और टोमेटो तो बहुत सारी इंडियन डिशेस में, बहुत सारी सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है. नाउ मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड, खाने को कुक करने के तरीके. बॉइलिंग सबसे पहला मेथड जो हम आपको बता रहे हैं, उससे आप दालें, पोटैटोस, एग्स, मिल्क, मिल्क को हमेशा बॉईल किया जाता है. बॉइलिंग नॉर्मली प्रेशर कुकर में की जाती है, आप पतीले में या किसी भी वेसल में भी बॉईल कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा समय लगेगा बस. स्टीमिंग, स्टीमिंग मीन्स भाप देना, सो इडलीज, ढोकला, मोमोज. इसमें क्या होता है कि खाने को आप डायरेक्टली पानी में नहीं रखते हैं, पानी की जो तेज, पानी को जब आप बॉयल करते हैं वो जब तेज गर्म हो जाता है तो उसकी भाप से या उसकी स्टीम से खाना पकता है. सो बॉइलिंग और स्टीमिंग, ये दोनों ऐसे मेथड्स हैं जिसमें पानी की आवश्यकता रहती है. बॉइलिंग एंड स्टीमिंग आर द मेथड्स ऑफ कुकिंग
that require water. बॉइलिंग में बस इतना फर्क है कि जो खाने की चीज है आप उसे पानी में इमर्स कर देते हैं या वो पानी में डूबी रहती है कुकिंग के टाइम पे, और स्टीमिंग में पानी डायरेक्टली टच नहीं करता है। जैसे इडली स्टैंड जो है वो मम्मी रखती है, तो इडली का जो बैटर है वो पानी से डायरेक्टली टच नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट मेथड है बेकिंग। सो बेकिंग हम क्या करते हैं, बहुत बच्चों को मालूम है, तो केक्स, बिस्किट्स, ब्रेड्स, इन सब को हम बेक करते हैं। आपके जो बंस होते हैं, कप केक्स होते हैं, एंड इवन पिज्जा, दैट्स ऑल्सो बेक्ड। और बेकिंग इज यूजली डन इन एन अवन। फ्राइंग, फ्राइंग इज अ अनहेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग। और फ्राइड फूड कभी कभी खाना चाहिए, रोज नहीं खाना चाहिए, जैसे पकौड़ाज, फ्रेंच फ्राइज, जलेबी, समोसा। नेक्स्ट मेथड इज डायरेक्ट हीटिंग, जो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, जिससे कि चपातीस, पापड़, ब्रिंजोल, बैंगन भूनते हैं ना हम, पापड़, चपातीस, आपने मम्मी को देखा है, मम्मी डायरेक्ट आग पे चपातीस को है वो टर्न करती है, करती है ना, तो चपातीस जो है डायरेक्ट हम फ्लेम पे बना सकते हैं, डायरेक्ट हीटिंग। कुकिंग यूटेंसिल्स मीन्स जो खाना बनाने के लिए बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्राइंग पैन, ग्रिडल यानी तवा, सॉस पैन, कुकर। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वॉटर, यानी सोचकर देखिए सिर्फ 1/4 लैंड है, ज्यादातर अर्थ के सरफेस पे पानी है, तभी अर्थ हमें ब्लू और ग्रीन कलर की नजर आती है, और ब्लू कलर जो है वो पानी की वजह से होता है। नाउ देयर आर टू इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर, रेन एंड स्नो, यानी कि बारिश और बर्फ, ये दो जो हैं ये मेन नेचुरल सोर्सेस हैं पानी के। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स मेनली गेट वाटर फ्रॉम रेन एंड स्नो। सो ये दो मेजर नेचुरल सोर्सेस हैं जिनसे बाकी सोर्सेस को पानी मिलता है। नाउ ग्राउंड वाटर, बारिश का जो कुछ पानी है वो अंडरग्राउंड चला जाता है, यानी जमीन के नीचे चला जाता है, जिसे हम हैंड पंप्स और वेल की सहायता से हम ऊपर भी ला सकते हैं, तो उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। द पार्ट ऑफ रेन वाटर दैट स्वीप्स अंडरग्राउंड, इट कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप्स एंड वेल्स। फिर आपको रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के एग्जाम्पल्स आने चाहिए, गंगा, यमुना, सबको याद रहते हैं, सतलुज, चना, ठीक है, एटलीस्ट 3-4 एग्जाम्पल्स आप लर्न कर लीजिए। देन रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, कृष्णा, कावेरी, महानदी एंड तापी, प्लीज लर्न दीज एग्जाम्पल्स। अब मैंने क्या किया है, इंडिया का नीचे का थोड़ा सा मैप की रफ आउटलाइन बना दी है ताकि आपको याद रहे। एकदम नीचे साउथ में देखिए इंडियन ओशन, राइट, ईस्ट साइड पे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और वेस्ट साइड पे अरेबियन सी। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, ओके, वेस्ट में अरेबियन सी, और साउथ में इंडियन ओशन या हिंद महासागर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी दैट इज जनरेटेड बाय यूजिंग वाटर, जो इलेक्ट्रिसिटी पानी की मदद से बनती है। हाइड्रो मीन्स हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, सो जो पानी की मदद से बनती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और ये डैम्स में बनती है। डैम क्या होता है हिंदी में, बांध, अ प्लेस वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर वाटर इज स्टोर्ड, जहाँ पे बहुत सारा पानी स्टोर किया जाता है और उसे ऊंचाई से गिराया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए।